हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9 की विज्ञान का कार्यपत्रक संख्या 48 यानी कि 48 और ये मिलेगा आपको 23/10/2020 को। इसके अंदर बेटा हम उत्तकों की बात कर रहे हैं यानी कि उत्तक के बारे में जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। सो, आज जो हम पढ़ने वाले और समझने वाले हैं वो है जटिल स्थायी उत्तक जाइलम के बारे में, ठीक है। सो, ज्ञान जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा दीदी सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया कि सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होते हैं। तो सरल के बाद में आएगा जटिल, यानी कि सिंपल से आता है कॉम्प्लेक्स। तो जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके जो है वो पौधों के अंदर क्या काम होते हैं। सो, जिज्ञासा उसे बताती है, ज्ञान जैसा कि हम जानते हैं जटिल स्थायी उत्तक एक से जटिल है ना बेटा, जटिल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। एक स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यह सभी कोशिकाओं जो है एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं मिलकर एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। और जटिल स्थायी उत्तक हमारे पास दो तरह के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। आपने पहले भी नाम सुना होगा इनका कई बार। सो, ये दोनों उत्तक क्या करते हैं, पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, मतलब भोजन, जल और खनिज लवण को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इसलिए इनको संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं, यानी कि काफ़ी जो है ये साथ साथ होंगे उत्तक जाइलम और फ्लोएम, तो इसके लिए एक बंडल बना लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए, जाइलम साथ साथ है, फ्लोएम साथ साथ है, तो यहाँ पे एक बंडल बन जाता है। संवहन उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आज जाइलम की कि जाइलम क्या होता है। सो, संरचना, जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग होता है। काष्ठीय, यहाँ पे आपको जाइलम की संरचना दी हुई है, अलग अलग चार पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, फाइबर दिया हुआ है, रेशा, वाहिनिका दी हुई है, वाहिका दी हुई है और जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो दी हुई है। ये चार जो है इसके अलग अलग तत्व होते हैं, कोशिकाएँ होती हैं, इनसे मिलकर ये बनता है और इन सब के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा बाकी सारे जो अन्य परिपक्व होते हैं जाइलम कोशिकाएं, ये मृत होती हैं, ये सिर्फ एक ही है जो जीवित होती है। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और यह दोनों नलिकाएं नलिकार संरचनाएं हैं। देखिए, वाहिनिका और वाहिका, इन दोनों की देखिए आपको इधर पतली पतली जो है दीवारें दिख रही है, पर इनकी बिल्कुल डार्क कर करके आपको दिखाई हुई है, यानी कि इनकी जो भित्ति है वो मोटी होती है, नली आकार की होती है, ये बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये देखो, इसमें आपको थोड़ा ऐसा ऐसा दिख रहा है इधर वाले में, पर ये बिल्कुल नली आकार की, नली जैसी, ठीक है। अब इसके कार्य की अगर बात करें तो जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका, जैसे नाम है इनके, तो विभिन्न भागों से जल को बहाकर मतलब, और खनिज लवणों को ऊर्ध्वधर संवहन करते हैं। जाइलम फाइबर्स जो स्क्लेरेन्काइमा जो है उसके बने होते हैं, या पौधों को दृढ़ता देते हैं, दृढ़ता मतलब इनको हार्ड बना के रखते हैं ताकि इधर उधर वो झूले नहीं या टूटे नहीं, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा भोजन संग्रह व पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं और पार्श्वीय जो संवहन होता है उसमें मदद करते हैं, ठीक है। सो, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसके अंदर हमने जो है जाइलम के बारे में पढ़ा और जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। सो, उसी से रिलेटेड आपको चार प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चार प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी से हैं, तो इनको देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या क्या कुछ हमने इसके अंदर करना है। देखिए, क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पौधों में जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सेकेंड वन है, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। संवहन बंडल संवहनी पौधों में परिवहन प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं, जिसमें दो उत्तक शामिल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। वहीं पे संवहनी उत्तक एक जटिल संवाहक उत्तक है जो एक से अधिक कोशिका प्रकार से बनता है और जो संवहनी पौधों में पाया जाता है, यानी कि दोनों पाए तो संवहनी पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। सो, ज़्यादा कोई इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, पर जो बंडल होता है उसके अंदर दो प्रकार के अलग अलग उत्तक जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन है, जाइलम उत्तक के चार भागों के नाम लिखिए और उनके कार्य लिखिए। कार्य बताने हैं तो पहला है ट्रैकेट, जिसको वाहिनिका हम बोलते हैं, यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है वाहिका, यह पौधे की जड़ से जल एवं खनिज लवण पत्ती तक पहुंचाते हैं।
तीसरा है ज़ाइलन पेरेन्काइमा, यह भोजन संग्रह का कार्य करता है या किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। और लास्ट है ज़ाइलम फाइबर यानी कि रेशे, जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है ज़ाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है। तो ज़ाइलम पेरेन्काइमा जो है बेटा वो जीवित होती है। ज़ाइलम के अंदर चार तरह की कोशिका से मिलकर बनता है, ट्रैकिड, वाहिका, ज़ाइलम पेरेन्काइमा और ज़ाइलम फाइबर। बाकी सारी मृत होती हैं, ज़ाइलम पेरेन्काइमा जो है वो जीवित होती है। तो ये थे हमारे आज के चार क्वेश्चन। सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स दिखा देती हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स चाहिए होते हैं ऑन डिमांड, तो प्लीज़ हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। आपकी जो ऑन डिमांड चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको करवाई जाएंगी स्पेशल बेनिफिट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।